ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के देश में मोदी, राज्य में शिंदे विज्ञापन और उसको लेकर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की नाराजगी पर महाराष्ट्र के विपक्षी नेता चटखारे ले रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने दोस्त दोस्त न रहा कहकर मामले का मखौल उड़ाया है। वहीं एनसीपी प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने मजाक में कहा कि बीजेपी को अब शिंदे को महाराष्ट्र का नेतृत्व सौंप देना चाहिए और शिंदे गुट जितनी सीटें मांग रहा है उसे दे देनी चाहिए। लगभग साल भर बाद पहली बार ऐसा अवसर आया है जबकि शिंदे के विज्ञापन से फडणवीस की तस्वीर गायब है। नाना पटोले ने पार्टी की कोर कमेटी की बैठक के बाद मीडिया के सामने इस बात को रेखांकित किया कि विपक्ष की महाविकास आघाड़ी मजबूत है। वहीं अब शिंदे फडणवीस सरकार में मतभेद उभरने लगे हैं। उन्होंने कहा कि शिंदे ने यह विज्ञापन देकर इशारा किया है कि वही फडणवीस से ज्यादा लोकप्रिय है और अपने उप मुख्यमंत्री की दिक्कत बढ़ा दी है। फडणवीस अब दोस्त दोस्त ना रहा कहते फिरने की स्थिति में आ गए हैं। राज्य कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता अतुल लोंडे ने उस सर्वेक्षण को झूठा करार दिया और कहा कि शिंदे अपने प्रचार के लिए जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि चुनाव हो जाए तो महाविकास आघाड़ी निश्चित रूप से महाराष्ट्र में 42 से अधिक लोकसभा सीटें और 200 से अधिक विधानसभा सीटें जीतेगी। शिंदे के बारे में ऐसी कहानी लिखनी पड़ेगी कि एक समय कोई शिंदे हुआ करते थे। एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता क्लाइड क्रॉस्टो ने दावा किया कि इस विज्ञापन से उन लोगों को दिल दुखा होगा जिन्होंने पहले देश में नरेंद्र, राज्य में देवेंद्र का नारा दिया था। जबकि सच्चाई यह है कि बीजेपी नेताओं ने भारी मन से शिंदे को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकारा था। उन्होंने कहा, अब महाराष्ट्र में बीजेपी बनाम शिवसेना का नाटक फिर शुरू हो गया है। आप ये कार्यक्रम YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।